नमस्कार चाणक्य आई एकेडमी एस अकेदमी में आपका स्वागत है हाल ही में रेलवे भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रयागराज पटना सहित अन्य क्षेत्रों में छात्रों ने जमकर हिंसक प्रदर्शन किए हजारों छात्र पुलिस से भिड़ गए ट्रेनों में आग लगा दी और रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध कर दिया जिससे सरकार को उनकी शिकायतों पर गौर करने के लिए एक पैनल का गठन करना पड़ा अब सवाल यहाँ पर यह है कि छात्रों के द्वारा ऐसा हिंसक प्रदर्शन क्यों किया गया इसके लिए यह जरूरी है कि हम जरा रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है उसे समझें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी ने 2019 में एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा में भर्ती निकाली जिसमें पैंतीस वैकेंसी थी इनमें से चौबीस हजार दो सौ इक्यासी पद ग्रेजुएट और ग्यारह हजार पद अंडर ग्रेजुएट यानी कि बारहवीं पास के लिए थे इन्हें पांच लेवल दो तीन चार पांच छ में बांटा गया था अलग अलग लेवल में योग्यता और तनख्वाह अलग अलग थी परीक्षा मार्च दो हजार बीस में होनी थी लेकिन कोरोना महामारी की वजह से आगे बढ़ गई उसके बाद दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच परीक्षाएं हुई 14 जनवरी 2022 को इसका रिजल्ट आया इसमें सात लाख पांच हजार चार सौ छियालीस छात्र पास हुए यानी पैंतीस हजार पदों के लिए बीस गुना ज्यादा अभ्यर्थियों ने दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का आरोप है कि ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले लोग भी लेवल टू जॉब के लिए एग्जाम में बैठ रहे हैं वहीं अधिकारियों का कहना है कि ज्यादा क्वालिफिकेशन वालों को कम योग्यता वाली जॉब के एग्जाम में बैठने से वो नहीं रोक सकते हैं रेलवे का यह कहना है कि 20 गुना ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं लेकिन अभ्यर्थी का यह आरोप है कि इसमें उन ग्रेजुएट छात्रों को भी शामिल कर लिया गया है जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट में भी क्वालिफाई किया है उनका कहना है कि ऐसे में कभी उनका सिलेक्शन नहीं होगा मतलब यह कि वो ग्रेजुएट वाले छात्रों के समक्ष नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि तो ग्रेजुएट छात्र उनसे ज्यादा सक्षम है रेलवे का यह तर्क भी है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एक भी पद खाली ना हो रेलवे ने यह बात भी कही है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब पैंतीस पदों की भर्तियों की लिस्ट होगी किसी भी उम्मीदवार को एक से ज्यादा पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर मुख्य मुद्दा यह है कि छात्रों के द्वारा यह जो हिंसक प्रदर्शन किया गया इस हिंसक प्रदर्शन को मौजूदा नीति निर्माताओं द्वारा राजनीति से प्रेरित कहकर खारिज कर देना सही नहीं है छात्रों का बड़े पैमाने पर यह विरोध उनके बीच एक जागरण है क्योंकि प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर एक एक पद की तुलना में हर साल आवेदकों की बढ़ती संख्या और इन सबके बीच भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और अनिश्चितता प्रतिस्पर्धी के धैर्य की परीक्षा लेता है छात्रों का हालिया विरोध प्रदर्शन इसी धैर्य के टूटने का परिणाम है भारत में नौकरी चाहने वाले युवा के बीच का गुस्सा और असुरक्षा रेलवे के इस दौर की भर्तियों के साथ खत्म नहीं होने वाली है अपने युवाओं को सार्थक और सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भविष्य में भारत को अपने श्रम बाजारों में तीन चुनौतियों से निपटने की जरूरत है आइए देखते हैं कि वो तीन चुनौतियां क्या क्या है पहली चुनौती है कि सरकार के द्वारा एक ऐसी नीति का निर्माण करना जो निजी क्षेत्र में नियमित रोजगार यानी कि रेगुलर एंप्लॉयमेंट की आवश्यकता पर बल दे मतलब निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम और नियमित वेतन तो मिले ही मिले या तो सुनिश्चित हो ही हो उसके साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा देने की भी शर्त उसमें बंधी हो इसके लिए श्रम प्रधान विनिर्माण को जमीनी स्तर पर लाने की जरूरत है मतलब ये कि जिस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा नीति लाई जा रही है वह लेबर इंटेंसिव होना चाहिए ना कि कैपिटल इंटेंसिव साथ ही सरकार को यह बात समझनी होगी कि जब औद्योगिक लचीलेपन के लिए मतलब जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लेबर रिफॉर्म महत्वपूर्ण है तब इसके साथ साथ श्रमिकों के बेसिक इंटरेस्ट की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है बात करते हैं दूसरी चुनौती की दूसरी चुनौती है रोजगार और शिक्षा के बेमेल को समाप्त करना मतलब यह है कि एक व्यक्ति ने जिस स्तर की शिक्षा प्राप्त की है उसके अनुरूप उसमें कौशल या स्किल का विकास करना हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस इशू को शामिल किया गया है परंतु इसे तुरंत हासिल नहीं किया जा सकता है और महामारी ने तो इसे और बढ़ा दिया है क्योंकि महामारी के कारण सीखने की प्रक्रिया में रुकावट आई है अब तो बात करते हैं तीसरी चुनौती की तीसरी चुनौती है निजीकरण पर सरकार के विशेष जोर देने के बीच सरकारी नौकरी के स्तर को बनाए रखना निजीकरण से घटते सरकारी नौकरी की आशंकाओं के बीच इनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है वह कैसे वह इस तरीके से कि स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित रोजगार में वृद्धि की जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्थिति काफी खराब हो सकती है और भारत के इन दो राज्यों में मतलब बात कर रहा हूं बिहार और यूपी की तो इन दो राज्यों में छात्रों का हालिया हिंसक प्रदर्शन महज एक दुर्घटना मानना भारी भूल होगी और अगर ऐसी घटना दोबारा ना हो तो इसके लिए तुरंत सुधार के उपाय अपनाए जाने की जरूरत है तो इस वीडियो में हमने बात की उन पक्षों की जिस पर अगर सरकार जोर दे और जमीनी स्तर पर उसे उतारे तो फिर जिस प्रकार छात्रों के द्वारा हालिया जो हिंसक प्रदर्शन की घटना हुई है वह रुके इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें धन्यवाद Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.